देखो तुम कहीं भी बैठे रहो, बालाजी अपने आप बुला लेंगे। पंडाल के बाहर सिर पर सफेद तौलिया डाले, सबसे पंडाल के बाहर मतलब जो खुला हुआ मैदान है गेट के अंदर, सिर पर सफेद तौलिया डाले, सफेद रूमाल है तौलिया नहीं है, क्षमा करना, सफेद रूमाल डाले हुए पंडाल के बाहर गेट के अंदर जो है कृष्णा नाम की अर्जी स्वीकार हुई है, कृष्णा बैठे हुए हैं, वो आ जाएं। बीचों बीच है, हाँ जी जो हाथ हला रहे, आ जा तू दौड़ के आ जा, हाँ आ, यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है। कहीं भी बैठे रहना, नाम हुलिया जानकारी देकर बुला लिया जाएगा। हाँ जी आप कौन? कृष्णा, ये तो ये सिर पर डाले थे, आ जाइए। तो तुमने वहां कहीं नाम लिखाया था क्या? माइक लो, हमें कैसे पता लगा कि तुम सिर पर रूमाल डाले हो, कृष्णा वहां बैठा है। आपकी महिमा है बागेश्वर बालाजी की। किसकी महिमा? बालाजी की, बजरंग बली। कभी भी इंसान को भगवान नहीं बनाना चाहिए, इंसान को इंसान रहने दो, महिमा बागेश्वर बालाजी की। जय जय बागेश्वर धाम की जय हो। पहली बार आए हैं? जी पहली बार आए हैं। कहाँ से आए हैं? ऐसे गोरखपुर के हैं लेकिन गाजियाबाद में रहते हैं। नियम का पालन कर लेंगे? जी जी। बोलो क्या बात है? लास्ट ईयर से वाइफ की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है और मतलब साथ में रहना नहीं चाह रही है। और कोई बात पूछो। और मेन वही है, पहले तो बीच बीच में सही होती है फिर खराब हो जाती है, उसके बाद फिर सही होती है। आप बहुत परेशान हैं, कार्य में असफलता, पत्नी को लेकर के परेशान हैं, पत्नी अलग होना चाहती है, कलेश मचाती है, वह पूरे शरीर में दिक्कत होती, दिमागी समस्या उसको बनती है। माइक नजदीक करो। जी जी। दिमागी समस्या बनती है, कोनो भूत नहीं लगेगा, वो स्वयं से दिमाग खराबा करें, क्योंकि वो तुमसे दूर रहना चाहती है, पूर्ण स्वस्थ हो जाए, बब्बा जी कृपा कर दे हैं, आशीर्वाद। कोई ऊपरी चक्कर नहीं है, कोनो भूत नहीं आवा, अहमा मोह खराब हुए, गर्रा टचड़ो। हाँ पागलन जैसी हरकत करने लगत, बीच बीच में कहूं कि दवाई ले या कोनो उपाय कराए, सो कछु दिन हाँ ठीक हो जाए, जा हरकत करे, और फिर ज्यों को त्यों, और कहूं बाहर चली जाए, मायके चली जाए, सो सही रहा। फिर वहां सही है, मायके में सही है, एकदम सही। अभी लेने जाने जो अच्छा भूत कहा होता तुम्हारे अगर खतरनाक है, और मायके जाके ठीक हो जाए, उतरे जाके डरात कहा भूत। अच्छा बात ये है कि तुम्हें बताओ जात के उसके ऊपर गंदा तंत्र है, बहुत बड़ा प्रेत किया गया है तुम्हारे ऊपर, जो बताओ जा, तुम्हें जो बताओ जा रहा हूँ। अभी भी वर्तमान में तुम गए थे सो लड़ाई भाई कि मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा ही भाव, हम भी गुस्सा, यही भाव, और तुम भी गुस्सा रहो, सुधर जे है। लेकिन मोरो ना बता दे ये जो वीडियो नहीं था, मोरी ठटरी बार है, और उनके घर वाले मोरी ठटरी बार है कि पंडित ने बाबा ने खोल दी पोल, उनके मतलब उनके घर वाले भी चाहते हैं सही हो जाए, भी चाहते। परिवार उनका पूरा लगा, वो थोड़ी विचित्र शाही को है, जबकि बहुत सही थी, मतलब सब जॉब वॉब करती थी, बट बालाजी कृपा करें, शाही को बना है। सही हो जाएंगे ना? हाँ एक साल से दवा चल रही है, बालाजी बिल्कुल कृपा कर देंगे। क्या करना है? दर्शन करने आना, धाम पे लिवा लाना, तो वो आ जाएंगे धाम पे अगले महीने, जब भी मंगलवार को पहुंचो। आपको रहना आप रहे वहां पे? हाँ अभी हैं हम सितंबर में कुछ दिन। एक मंत्र लिखा है आपका, इस मंत्र की तीन माला करनी है, धाम की पेशी करनी है, और बालाजी ने चाहा तो तीन माह में ही जय जय हो जाए, जाओ। अभी बच्चा भी हुआ हमको। बिल्कुल खुश रहो, एकदम सही,
बात समझ आ गई? हमारी लड़ाई ना बिधवा दे बेटा, मैं गरीब आदमी मारो जाए बिल्कुल नहीं खाने, जा खुशी रहा। हाँ हाओ हाओ जा। देखो हम साफ बता दे, चाहे अच्छो लगे चाहे बुरा लगे, अब हमारे तो जो भाई भाई में सिग्नल आओ सो हम कह दे। बोलो सीताराम।